गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स में। और हम लोग उठ गए हैं, सुबह का टाइम है, रात को 4:15 बजे के करीब हमारी बस रवाना हुई थी। और फिर बस में आने के बाद थोड़ी देर सोए, मतलब बस में आए थे हम 4:15, 5:15 के करीब हमें नींद आई थी। और अभी हम पहुँचे हैं रतनगढ़, वहाँ पर हम चाय पी रहे हैं और थोड़ा वॉशरूम यूज़ किया है और अभी वापस फिर से रवाना होंगे। और रात भर हम परेशान रहे, मतलब आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा कि रात को हमारी 11 बजे बस ख़राब हुई थी और वापस 4:15 बजे हमारी बस रवाना हुई थी। बहुत ही परेशान हुए, जोधपुर की जाखड़ ट्रैवल ली थी हमने, जो कि एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था। मानते हैं बस ख़राब हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप दूसरी बस मंगवा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं मंगवाई। आने वाले 2-3 दिन आपको हनुमानगढ़ के ही ब्लॉग मिलेंगे, तो प्लीज़ इन ब्लॉग को भी पूरा प्यार दीजिएगा। और मेरा दूसरा चैनल है नीतू चौहान फैमिली, उसको भी प्यार दीजिएगा। मेरे दो चैनल हैं, नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग दोनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोनों चैनल पर ब्लॉग आते रहेंगे लगातार, तो दोनों चैनल पे विज़िट ज़रूर करिएगा। और यहाँ पर हम लोग हनुमानगढ़ पहुँच गए हैं, अब बस रिक्शा करेंगे उतर के। हालांकि रिक्शा वाला सोचेगा कि हम कहीं बाहर से आए हैं, तो हमें देखते ही बोलेगा 150, फिर हम 20-20 में करके घर तक पहुँचेंगे। अभी देखते हैं, आप देखते जाओ क्या होता है, कैसे जाते हैं हम लोग। चलिए जी, उतर गए हैं और चेहरा भी उतर गया है। अभी हम लोग देख रहे हैं रिक्शा या जो भी टमटम यहाँ पे मिलती है, वही क्योंकि होगी वो सब पता है, मुझे तो कुछ मालूम है क्या होता है। सही बात है। चलिए जी, पहुंच गए। हेलो बाप जी, धोख दे उनसे मजा मां। बधाई हो, बेटी की शादी होगी। हाय सोनो, तो गई को नहीं ना हो, अभी तेरी शादी होगी, चल ससुराल। चलिए जी, पहुंच गए हैं। ये है हमारे घर की एंट्रेंस और अभी आएगी खूब सारी जनता, तो आप डरना मत। लाइट जला, लाइट अंधेरो है। अरे लाइट जलाई है, क्या जलाई है? डर गए, डर गए, सब डर गए। अरे लाइट जला लो। ओ अज्जू अम्मा, मोटो हो गया, खुश रहो। हेलो 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 हेलो, खुश रहो खुश रहो। ओए होए ओए होए ओए होए, लो पकड़ो, मैं दोग दूँ। खुश रहो बेटा, खुश रहो खुश रहो। जी पहुंच गए हैं घर पे और अभी मैं थोड़ी देर नहाऊंगी, नींबू पानी पीऊंगी और फिर नहा धो के तैयार होके फिर आपसे मिलूंगी। और मेरे चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई है, तो सर वर धोएंगे और बाकी आपने देख लिया। हाँ, हम खूब सारी रील्स बनाएंगे, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना। इंस्टाग्राम हैंडल है नीतू चौहान ब्लॉग्स। तो बस पहले थोड़ा है, हाँ हम अच्छी अच्छी रील बनाएंगे बहुत सारी, तो ज़रूर 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 फॉलो कीजिएगा। और अब मैं थोड़ी देर आराम से बैठूंगी, गप्पे वप्पे मारूंगी, फिर आपसे मिलूंगी। अंदर एंट्री। चलिए जी, नाली हूँ, नाते ही मेरे वापस आ गया है पसीना। और ये हमारी रुद्रा और रेखा, अभी हम जा रहे हैं बड़े वाले भाभी जी के घर पे, मतलब मेरे बड़े पापा के बड़े बेटे के घर पे लंच करने। आज उनका उनके घर पे हमारा लंच है। और ये हमारी एंट्रेंस है, यहाँ पे प्लांट्स रखे हुए हैं, मेरी मम्मी को प्लांट्स का बहुत शौक है। बाकी होम टूर दूंगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, या उससे नेक्स्ट ब्लॉग में कोशिश करूँगी। अभी तो बस मैं आई हूँ, नहाई हूँ, सर धोया है और बस खाना खाने जा रहा है, भूख लगी है। और ये है मेरे बड़े भैया का घर। चलो, हेलो,
लाइट लाइट हम ठाक हो नहीं चलो जी खाना आ गया है। अच्छा पनीर की सब्जी खीर और अचोरियो कौन बनायो आलू छोला नहीं तो मेरी तो मौत है। अच्छा आलू छोला भी बनाया है। अच्छा अच्छा पनीर मेरे वास्ते बनाया है। वाह वेरी गुड। क्या कर रही है? कभी सुनाई ना भाई सा मेरी बनाएगी। आपकी बनाई? आज फिर पनीर की सब्जी कौन बनाई? बस मेरी मम्मी बनाई है। चलिए जी खाना पीना कर लिया और अब वापस आ गए घर पे और अब हाथी घोड़े बेच के हम लोग सोएंगे। हाय कर दो। हाय हाय और गुड नंदिनी हाय करो। हाय 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 चलो अब सोएंगे। चलो चलो मीना मीना आ गई। बंद कर दो। चलो जी फिर सीधा मिलेंगे शाम को। रात की नींद पूरी करेंगे। अरे अलका आ गई। ठीक है। ओह गर्मी है उमस भी है। बारिश हुई ना तो उमस भी हो गई है। और मैं बना बनाया खाना खा के आ गई हूँ। घर में अंधेरा है। अच्छा यहाँ के हाय हाय पर दाल पड़ी है। मम्मी बोले भिगो दिया। लट्टा है लट्टा है तो चुग लिया। नहीं मैं अच्छा नहीं सही में सुनीता मम्मी के दाल पड़ी है आ पड़ी है शायद आ रही तो दाल भी गो दो सूजी भी गो दो। मैं सोऊं जितने नींद आवे मैंने। देखो आज मैं पियर का बना हुआ खाना खाऊंगी। अच्छा तो होने दो। चलो अभी बनाओगी शाम ने बना ले फटाफट। तो जी हमने सुबह का खाना खाया है और शाम के खाने की तैयारी हो गई है वापस। अभी तो बच्चा भी नहीं एक घंटा हुआ हमारा और शाम को बोल रहे हैं इडली सांभर बनाएंगे। अब पता नहीं इडली सांभर बनाएंगे क्योंकि सूजी खराब आ गई है। तो भैया तो सूजी लट्टे हैं कि लट्टे बड़ी बड़ी लट्टे एक बड़ी बड़ी लट्टी यहाँ पड़ी है कुर्सी पहन के बेटा पीछे पड़ा होगा गैस भी में। यानू प्लीज मुझे चलाने देना। गाड़ी चलानी है यानू बजा के दिखा। आता नहीं आपको बजाना। Yeah.
पेंट सासा। तो ये ड्रेस मीना लेके आई है बीकानेर से, अच्छी ड्रेस है, सिंपल है, तारीफ की ड्रेस है। और सुनी तेरे पास है शेडेड है, मम्मी बोल रही है कलर बहुत अच्छा है, सुंदर कलर है, मस्त है। मम्मी मेरा एक नहीं छूट को नाप झलकन पड़ी है कि वो क्रीम वाला अभी तक है ये लो लहरिया। हां लहरिया ओढ़ना नहीं ढूंढना लहंगा है ना, कुर्ती काम चली अमंग जी और ये ओढ़ना। और ये जो ड्रेस है ये बड़े बड़े भाभी जी ने हम चारों बहनों को दिलाई है, तो मैंने ये वाली ली है। इसमें है 4 मीटर कॉटन का कपड़ा, ऑल ओवर है ये, और ये ओढ़ना है। तो ये मैं सिलवाना लेके जाऊंगी। करो ना यार रुबू, रुबू कर। और अभी हम नींद से उठ गए, नींद ली है, और मम्मी उठते ही अपने बहू के आगे बैठ गए चोटी बनाने के लिए। मम्मी रोज बनवाओ थे, अच्छा रोज चोटी बनवाओ हल्का हूँ। ये देख लो मम्मी को हंसी भी आ रही है, शर्म भी आ रही है कि मैं ब्लॉग में आ रही हूँ। नहीं मैं मारना नहीं, भाभी साने सुसला जी ने भी शर्म आवे, बेबा ने भी थोड़ी सी आवा, लेकिन फिर भी आ जाए। ये है मिस सुनीता पवार और ये यहाँ इडली की तैयारी कर रहे हैं। हमारी फैमिली बड़ी है तो हमें इतने बड़े भगोने के अंदर इडली बनानी पड़ती है। थोड़ा बैटर साइड में लिया गया है जिसमें इन्हों डाल के वो इसको मिला रहे हैं। मैं फोन ना अब रूम के अंदर लेके जा रही हूँ। गिन्नी और मन्नू काफी देर से खेल रहे हैं, देख रहे हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। हाय बच्चों, हेलो गाइस, हाय। मैंने भी मेरा न्यू शो बनाया मिनी एंड गिनी, मिनी एंड गिनी। हाँ बनाया, आज बनाया। अच्छा तो आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, और मिनी एंड गिनी शो, और ना मेरे भाषा के चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना, और मेरे चैनल को भी थैंक यू। गिनी हाय करो। हाय, आपका नाम क्या है पूरा गिनी? आप यानू आपका नाम क्या है स्कूल में? आपके नाम यशस्विनी। अच्छा बाय कर दो गिनू। बाय गिनू, आप अपना अपना नाम बता दो। गर्विता। क्या बाय? गर्विता गर्विता शेखावत। अलका नींबू पानी ले आओ। रुको जरा, सबर करो। बन गया, थैंक यू सो मच। काला नमक डाला, ठीक है। हाँ सही बात है, बिल्कुल बना ली इडली, पर इतनी इडली कद बनावेगी तू, बहुत टाइम लगेगा। मैं सोचू कि नहीं मानगढ़ का ब्लॉग नहीं बागड़ी में बनाऊँ, हिंदी में ना बनाऊँ। हाँ तो चलो जी बागड़ी में ब्लॉग करेंगे, आ दो हिंदी में आ दो बागड़ी में। अब आप बहुत ज़रा इम्पोर्टेंट काम कर गावेगा पहला। नीतू से दिख रहे हैं पीछे, ब्लॉग चालू कर लेंगे। सांभर पानी है क्या? तो मैं हूँ मायके में और खाना मुझे बनाना नहीं है, तो मैं घूम फिर के खा लूँ इडली। चला छत पे अंधेरा है, कितनी देर में हो जाओ। चलो
मेरे को ना आलस आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। मैं बैठ जाती हूँ, फिर उठा के थोड़ा देर मोबाइल याद करते हैं मुझे ब्लॉग बनाना है, तो मैं फिर ब्लॉग बना लेती हूँ। और कुछ लोगों को शर्म आ रही है, कुछ लोगों को डर लगता है, जैसे हम ब्लॉग शुरू करते हैं सभी इस कोने उस कोने घुस जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जितना पॉसिबल हुआ मैं बनाऊँगी। पर मुझे आलस बहुत आ रहा है क्योंकि कल रात नींद भी है। माइके के बन गया हल्का सांभर, ये देखो हमारे यहाँ पे इतना सांभर बनता है भाई साहब। इतना बड़ा पंगा नहीं लेना आपने, तो सिंपल खाना बना लेना, सोचो कितने परेशान हुए हो। चलो बाहर आ बहन चुगली करें। क्या मनु पैर सीधे करो, ऐसे खाना नहीं खाते। डर लगे चलो। हाँ हाँ पहले ना पैर को सीधा करो, खाना ऐसे नहीं खाते, बैड मैनर्स होते हैं। लो भाई डालो खाना। और आलस में डूबी रही, जानो था क्या कर रहे हो तुम लोग। पर तू सोच एक दिन वास्ते तो आई भी मैंने मार्केट में 3-4 घंटा खराब कर दिया। मासी मन समझ बने साफ करो, पैर साफ करो, एक एक जाओ तो सही। नानी के चरणों में स्वर्ग है, हैं नानी के चरणों में स्वर्ग है। रुदु धोख दे दो। ओ लड़ाई मत करो, एल्ला बाज जाओ, तुम्हारा घर वहाँ पे है, जाओ। गंदी औलाद ना मजा ना स्वाद। चलिए जी हमने बहुत कर लिए मजे, गप्पे मार लिए, खा लिए पी लिए, और बहुत सारी रील्स भी बनाई है, तो प्लीज़ आप इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर करिएगा और रील्स देखिएगा। अब बस चेंज वेंज करेंगे, सोएंगे और मिलेंगे आपसे कल एक नए प्यारे से ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।